हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब? मस्त? आई होप तुम सब बहुत बहुत अच्छे होगे। एंड कोविड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है अभी टाइम बीइंग में, बट आई गेस तुम अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। ठीक है, सो ऑन दिस नोट लेट अस बिगिन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। वेलकम वेलकम टू दिस वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल, और उससे भी पहले वेलकम टू दिस सेकेंड चैनल ऑफ माइंड विच इज बींग मेड इन कोलेबोरेशन विद द न्यूटन स्कूल। बट इसको सुनने के बाद बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, है ना? जो लोग मुझे नहीं जानते वो सोच रहे होंगे, भैया आप कौन हो, इस चैनल पे क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाने वाले हो आप मुझे, है ना? जो मुझे जानते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भैया आपका तो पहले से भी एक चैनल था, वहां पे भी आप डीएसए डिस्कस कर रहे थे, तो फिर ये नया चैनल क्यों, ये कोलैबोरेशन ये कैसे काम करेगा, है ना? और जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया आप ऐसा क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो इस चैनल में जो सबसे डिफरेंट होगा, और ऐसा क्या हम गेन करने वाले हैं एज व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल जो हमें बाद में जाके हेल्प करेगा। तो इन सब टॉपिक्स पे एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और एक डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का उसको एज अ काइंड ऑफ डिस्कशन वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं और तुम बैठ कर इसके ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं कौन हूँ, न्यूटन स्कूल कौन है, ये कोलैबोरेशन कैसे वर्कआउट करने वाला है, इसकी कंटेंट क्या रहेगी चैनल की, कैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, एक रोड मैप हम आपको देने वाले हैं, उस रोड मैप को तुम कैसे फॉलो करोगे, इस चैनल की वो रोड मैप होगी, हम कैसे प्रोग्रेस करने वाले आने वाले कुछ दिनों और महीनों में, एंड प्रोडक्ट क्या होगा और उस एंड प्रोडक्ट से तुम्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा, ये सब कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, बट इट विल बी डेफिनेटली वर्थ योर वॉच, और वो बहुत बहुत वैल्यू एड करने वाली है तुमको, ट्रस्ट मी। तो लेट अस बिगिन। तो इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम हुआ द कोड स्ट्रीट बाय न्यूटन स्कूल, और इसमें कौन पढ़ाने वाला है, ये मैं पढ़ाने वाला हूं, दैट इज सिद्धार्थ पांडे। बाय द वे, जो मुझे नहीं जानते, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, ताकि तुम और मैं फेमिलियर हो जाए। हाय एवरीवन, My name is Siddhant Pandey and I am currently pursuing Computer Science Engineering in Bangalore from Saptagiri College of Engineering. I am currently a third year Computer Science undergrad student. ठीक है? तो इन तीन साल के brief stint में मैंने क्या क्या कर लिया? मैंने Comparative Programming करके Candidate Master की rating attain कर ली Codeforces platform पे, having a rating of 1920. I have been to different Tech Talks in Google Developers Group Singapore. I have been invited to be a member of Codeery London. वहाँ पे भी मैंने Tech Talks दिए हैं काफी. I became a member of Microsoft Student Ambassador so that I can give back to the community more. और जितने मेरे juniors और peers हैं, seniors हैं, सबको मैं help कर सकूँ. I became a member of Microsoft Student Ambassador. And one very lesser known fact, जो बहुत ही कम लोग, बहुत कम सीनियर मेरे कॉलेज के जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों के साथ इसको डिस्कस किया था, दैट आई ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न विद अमेजॉन हैदराबाद, बट ड्यू टू वेरी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, सम ऑफ द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एट दोज एट दैट टाइम, मैं उसको नहीं कर पाया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिग्रेट विच आई स्टिल हैव, बट इट इज वॉट इट इज, अपॉर्चुनिटीज डू कम एंड गो, यू ग्रैब सम एंड यू हैव टू लीव सम। तो वैसे ही बात है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज जाते हैं, कुछ को आप ग्रैब कर लेते हो, कुछ को आप मिस कर देते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिस्कस करते हैं अपनी जर्नी के बारे में। तो मैं एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ अभी, IIT मुझसे हुई नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट सीरियस अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई 11th 12th। तो 10th 12th के रिजल्ट तो मेरी काफ़ी अच्छी रही। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ बैंगलोर के, बट आई हैड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस विच आई हैड टू फुलफिल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर सिर्फ रिसर्च में ही बिता दिया कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ सो दैट आई कैन डू थिंग्स विच आर नॉट, आजकल कैटेगराइजेशन होती है ना कॉलेजेस के, Tier 2, Tier 3, Tier 1, सो थिंग्स विच आर ऑन अ सुपरफिशियल लेवल Tier 3 या Tier 2 कॉलेजेस के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं होती है रिसोर्सेज, बट उसके बियॉन्ड जाके भी मैं कैसे उस सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने लिए कुछ अलग से कर सकता हूँ। आई स्पेंट माई एंटायर फर्स्ट ईयर रिसर्चिंग दैट।
बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं गेम डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, आई एक्सपेरिमेंटेड अ बिट विद MLAI एंड देन आई रियलाइज कि गेम डेवलपमेंट और MLAI में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, वट आई वॉन्टेड वॉज मेरी ड्रीम कंपनी जो थी, दैट वॉज अ टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट दिस कंपनी विच हैपेंस टू बी माई ड्रीम कंपनी, उसमें काम करने के लिए आई हैव टू बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. तो आई टुक अप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अ बिट मोर सीरियसली फ्रॉम माई थर्ड सेम, एंड आफ्टर दैट द एंटायर थर्ड एंड फोर्थ सेम आई ग्राइंडेड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, एंड बाई द एंड ऑफ डिसंबर 2020 आई मेड द मोस्ट आउट ऑफ द पेंडेमिक लॉकडाउन एंड आई अटेन्ड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में कैंडिडेट मास्टर की रेटिंग. तो जो भी है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बेसिस पे ही मेरा यहाँ तक हुआ है. दैट इज वॉट आई फील. डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा तो है ही उसमें कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. आपको अगर और जानना है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू माई लिंक्डइन, वहाँ पे आपको सब कुछ मेरे बारे में आइडिया तो हो ही जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कोलैबोरेटर्स ऑफ दिस चैनल. तो अगला क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके साथ इस वीडियो में और इस चैनल में अगर हम बात करें तो आप किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, ये न्यूटन स्कूल क्या है, न्यूटन स्कूल जो कोलैबोरेट कर रही है न्यूटन स्कूल क्या है. तो न्यूटन स्कूल जो है ना, न्यूटन स्कूल की जो आइडियोलॉजी है मुझे बहुत फैसिनेट करती है. न्यूटन स्कूल क्या करता है कि न्यूटन स्कूल एक्चुअली ट्रेन्स स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी, वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब स्विच. कोई भी कंपनी से सकती है जॉब स्विच के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स जो देख रहे हैं, या फिर इवन फीमेल्स जिनका कोई कोडिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी ट्रेन करती है न्यूटन स्कूल. एंड उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रिंसिपल क्या है कि अनटिल एंड अनलेस आप हमसे पढ़ रहे हो, आपकी जॉब हम नहीं लगा देते मिनिमम 5 to maximum 40 lakh की पैकेज तक, आपकी जॉब लगाना हमारी गारंटी. ठीक है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही है यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी टू अस, एक सिंगल पेनी आप हमको मत दो. आपकी जॉब लग जाए एंड देन यू स्टार्ट रीपेइंग अस बैक जो आपने कोर्स किया उसकी पैसे. ठीक है, वंस यू हैव रीपेड अस बैक आपका वो फिल हो जाएगा, आपको फिर नहीं करना है पेमेंट. अ वेरी सिंपल आइडियोलॉजी विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर. मुझे बहुत पसंद है इनकी आइडियोलॉजी, तो इसीलिए मैंने न्यूटन के साथ कोलैबोरेट किया. बट आप न्यूटन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो ये जो ये कर रहे हैं ये क्या है, मैं इनकी क्या प्रोग्राम क्या ये वाली चीज़, क्योंकि ये तो मैं न्यूटन प्लेटफॉर्म पे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ. अब इसको समझते हैं ध्यान से. तो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर अ करियर इन टेक. इट हैज़ कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विथ नो टेक बैकग्राउंड. Newton School first trains you for 6 months and helps you become amazing full stack developers. It has also a network of more than 300 great companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program. तो जो pay after placement program है ना, तब तक यही ensure करता है कि जब तक आपकी नौकरी ना लगे तब तक आपको एक पैसे भी नहीं देंगे. Under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum 5 lakh CTC. That is actually a wonderful concept. तो अब जिससे मैं और तुम connected हैं via Newton School on YouTube, वो है इनकी Launchpad program. So what is this Launchpad program भैया? Launchpad by Newton School is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming languages for absolutely free of cost. This video would be available in the Launchpad section of Newton School, where you can practice several quizzes, assignments related to the course. ठीक है? तो हम समझने की कोशिश करो. जब इतना अच्छा एक स्कीम अवेलेबल है तो डेफिनेटली इसमें बहुत लोग अप्लाई करेंगे. बट न्यूटन स्कूल के पास भी तो लिमिटेड सीट्स होंगी. सो दे विल टेक अ फ्यू अमाउंट ऑफ पीपल हु विल फिल दोस सीट्स एंड बाकी की जो एप्लीकेशन है वो नहीं एक्सेप्ट हो पाती. ठीक है, तो क्या उनको क्या पढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता. सो फॉर देम वी हैव लॉन्च्ड दिस लॉन्चपैड प्रोग्राम जिसमें दे विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज भी उनको मिलेगी एंड दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज व्हाट द लॉन्चपैड प्रोग्राम इज ऑल अबाउट. ठीक है, समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं. तो कोलैबोरेटर्स ऑफ दिस चैनल और मेरी इंट्रोडक्शन तो हो गई. अब आगे हम बढ़ते हैं आइडियोलॉजी नेसेसिटी बिहाइंड द चैनल. तो भैया इस चैनल के पीछे आइडिया क्या है?
और नेसेसिटी क्या है इस चैनल की, जरूरत ही क्या थी इस चैनल की, समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले टू टीच सी प्लस प्लस फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू कॉम्परेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस जो पढ़ेंगे अपन वो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ इस चैनल को जो देख रहा है उसे प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आती उसे प्रोग्रामिंग। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से लेके इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, कंपनी लेवल सारे प्रॉब्लम्स, और फिर कॉम्परेटिव प्रोग्रामिंग तक भी अपन जाएंगे ईच एंड एवरी टॉपिक में। बन रहा है बात, समझ में आई? ये हो गया सबसे पहले। सेकंड, स्टार्टिंग ऑफ योर वेरी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम टू योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स टू द पॉपुलर क्वेश्चंस ऑफन आस्क्ड इन कंपनीज, वी गॉट यू कवर्ड। हेलो वर्ल्ड से लेके बेसिक नेमोनिक्स जो कोड होते हैं, सिंटैक्स होती है वो, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन, कॉम्परेटिव प्रोग्राम, सब कवर करेंगे। सारे चीज, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और ये सब होगी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, डीएसए इन पर्टिकुलर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल इज अ नेसेसिटी इन टूडेज टेक ड्रिवन मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मास्टर्स और गेटिंग रेडी फॉर द जॉब इंटर्नशिप इंटरव्यू, डीएसए राउंड्स आर बाउंड टू कम योर वे, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। सो पॉइंट नंबर 3-4 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटर्नशिप हो, जॉब इंटरव्यू हो, कोई भी हो, डीएसए राउंड, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम राउंड जो है, इट इज बाउंड टू कम टू यू। आप इससे भाग नहीं सकते। ऐसा क्यों है? बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स आर एक्चुअली द बेसिस ऑफ हाउ गुड यू आर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहती है बेटर एंड अ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के लिए आपको अच्छे से प्रोग्राम की बेसिक्स और सिंटैक्स आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इंटरकनेक्शन समझने की कोशिश करना। बेसिक्स अच्छी तो डीएसए कर पाओगे, डीएसए अच्छी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे, और इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इन चारों का इंटरकनेक्शन है आपस में, ध्यान से समझना इस बात को। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड ऑल्सो फोर्थ पॉइंट पे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स करने वाले हो किसी IIT, IIIT, NIT से, तो उसके इंटरव्यू राउंड्स में भी आपसे डीएसए पूछा जाएगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। सो एक्चुअली डीएसए इज अ हार्श रियलिटी कि आपको हर जगह ही आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी प्रिटी गुड एट इट। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ऑल द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंक्लूसिव ऑफ द पॉपुलर फैन ग्रुप डू ग्रिल देयर कैंडिडेट्स ऑन डीएसए ड्यूरिंग द इंटरव्यू राउंड्स। तो जितनी फैन ग्रुप की कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हुई, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सब अपने कैंडिडेट से डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स लेती ही लेती है। वहां पे आपको चाहिए ही चाहिए। और लास्ट में, जब आप एक सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर रहे हो, दिस इज फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स आउट देयर, जब आप एक सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर रहे हो, एक सक्सेसफुल स्विच के लिए योर एक्सपीरियंस इज व्हाट काउंट्स, एंड ऑल्सो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज टू काउंट एज वेल। आपको यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज मिल जाएंगी पीपल हु हैव लाइक सक्सेसफुली स्विच्ड फ्रॉम अ सर्विस टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड एक्सपीरियंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके लिए भी आपको चाहिए होगा डीएसए, और डीएसए के लिए प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ हम करेंगे इस चैनल में। तो नेक्स्ट भैया, अब समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि इस चैनल के क्या मतलब है, इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बट आप क्या ऑफर करने वाले हो? तो माई एक्सपीरियंस इज वॉट आई ब्रिंग टू द टेबल। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने 3 साल अपने कॉलेज में, जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा, तो फर्स्ट ईयर में आई सफर्ड फ्रॉम समथिंग विच इज कॉल्ड लैक ऑफ गाइडेंस। आई वॉज हैविंग नो वन टू गाइड मी कि जो ये मेरी गोल है टू गेट इन टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इसमें घुसने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। सो आई स्पेंड माई एंटायर फर्स्ट ईयर जस्ट रिसर्चिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सेकेंड ईयर में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिससे आप मेंटरशिप प्रोग्राम में घुस जाते हो इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वहां से आप इंटर्नशिप में कन्वर्ट हो जाते हो, एंड देन फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो जाते हो, वो मैंने मिस आउट कर दिया बिकॉज आई वॉज स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन इन माई सेकेंड ईयर, और वो सब अपॉर्चुनिटीज सब आ ही रही थी। आई वॉज नॉट इवन हैविंग एन अवेयरनेस अबाउट दैम। फिर मैंने सोचा, जब मेरा दिसंबर में मैंने कैंडिडेट मास्टर हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि इवन माई जूनियर्स विल बी हैविंग सच प्रॉब्लम्स, सो वट इफ उनका वो रिसर्च वाला पीरियड
एकदम से हटा दिया जाए और उनको ऑलरेडी कोई गाइडेंस के लिए हो और उनको रिसोर्सेस आगे प्रोवाइड करा दे, हाउ वंडरफुल विल इट बी फॉर देम कि उनके पास सारे अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगे एंड दे विल प्रिपेयर वेल अहेड ऑफ देयर टाइम, है ना? सो दैट इज वट आई हैव टू ब्रिंग टू द टेबल कि बहुत मैंने कुछ कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की हैं विच आई एम वेरी श्योर कि तुम भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खोजने जाओ ना देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ यू विल गेट कन्फ्यूज विच वन टू फॉलो क्योंकि हर सब कोई क्लेम करता है कि ये बेस्ट है, तो कौन सी फॉलो करनी है, पेड कोर्सेज लूँ कि फ्री वाली लूँ कि बुक ले लूँ कि ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, है ना? तो दिस इज वट आई विल बी सॉल्विंग हियर. कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे. डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सीपी एंड डीएसए. सीपी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर दिया गया है आज की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सीपी चाहिए, कॉपरेटिव प्रोग्रामिंग चाहिए, कि लोग डीएसए करते ही हैं सीपी के लिए, बल्कि सीपी इज नथिंग बट जस्ट अ टूल विच टेस्ट, या फिर कह सकते हैं अ टूल विच इनहेंसेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अच्छा करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का यूज होता है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली स्पोर्ट प्रोग्रामिंग, स्पोर्ट है वो एक, है ना? उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी. इट इज नॉट अ नेसेसिटी बिकॉज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर इज नॉट वॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर्च फॉर. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डू सर्च फॉर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर मतलब हुआ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्त है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं. ऐसा भी हो सकता है एक मस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर हो बट उसकी कोई 5 स्टार 6 स्टार रेटिंग नहीं है, वो ना ही कैंडिडेट मास्टर है, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो रेटिंग से पीछे नहीं भागना है अपन को, अपन को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है भाई. बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं. वट ऑर्डर शुड आई फॉलो एंड हाउ मच शुड आई प्रैक्टिस. मुझे पता है मुझे क्या प्रैक्टिस करना है बट किस ऑर्डर में करना है. तुम्हें पता है बाइनरी ट्री होती है, हैश होती है, हीप होती है, लिंक्ड लिस्ट होती है, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, सब कुछ पता है, बट किस ऑर्डर में जाऊं ताकि एकदम सिंक्रोनाइज वे में सिस्टमेटिक ढंग से मेरा पूरा करिकुलम कंप्लीट हो जाए, ठीक है? देर इज अ प्रिटी बैड नोशन ऑफ टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन कॉलेज. उसको हटाना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको पढ़ते हुए जाना है विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. थ्योरेटिकल नॉलेज से ही सिर्फ नहीं. समझ में आई बात मेरे? नेक्स्ट, जीरो मेमोराइजिंग, 100% अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग. मेमोराइज वाली पोर्शन जीरो कर देनी है मुझे क्योंकि मेमोराइज करके जाएंगे तो कुछ घंटा होने वाला है अपन से, ठीक है? पूरा फोकस रहेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है अपन को, 100% लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करना है, कैसे इंट्यूशन डेवलप करना है ताकि वो प्रॉब्लम कल को परसों मुझे ट्विस्ट करके भी लिख दी जाए ना तो अपन से चुटकी मार के हो जाए वो, ठीक है? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. Bringing in amazing talents from industries for podcast sessions, clearing your doubts in Ask Me Anything sessions. Every week you will get a minimum of 3 videos. तो मेरा क्या मानना है कि अगर हम किसी तरह कंटेंट डालते रहें बार बार और इस चैनल के सब्सक्राइब काउंट बढ़ गए तो ज़्यादा सब्सक्राइबर काउंट होने पे आई हैव प्लान्ड कि हम रिक्रूटर्स को बुलाएंगे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, इंटर्न्स को बुलाएंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लाइक गूगल, अमेजॉन, फैन और जितनी फैन की कंपनीज हैं सबसे बुलाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर को बुलाएंगे, सबको बुला के वट वी विल बी डूइंग इज वी विल लाइक ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस और उनके सारे एक्सपीरियंसेस से अपने आप को हम लर्न करेंगे और सीखेंगे कि कैसे वहां तक पहुंचना है बिकॉज दैट इज फाइनली योर अल्टीमेट गोल, इजंट इट? तो वो भी हम करेंगे बट उसके लिए अपने को सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाना होगा, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ दिस इज फॉर फ्री. सब कुछ तुमको मिलने वाला है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? बस आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं द मेन रोड मैप ऑफ द कोर्स पार्ट पे, डूइंग इट द कोर्स स्ट्रीट वे. तो जो इस कोर्स का रोड मैप होगा अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? कोर्स का जो रोड मैप है, रोड मैप इज समथिंग जिससे मेरा एक बहुत लव हेट रिलेशनशिप चलता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. रोड मैप एक काइंड ऑफ अ डोपामिन हिट देने वाली चीज है. तुम अभी एक टैब खोलो यूट्यूब की और इस वीडियो को पॉज करो, यूट्यूब की टैब खोलो और जाके इसमें सर्च करो डीएसए रोड मैप यूट्यूब पे, 15-20 वीडियोस इंस्टेंट मिल जाएगी तुमको जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के रोड मैप ही रोड मैप दिए हुए हैं, ठीक है? उस वीडियो को तुम देखते हो, वीडियो को देखने के बाद तुम 3 घंटे तक बहुत खुश रहते हो कि अब तो रोड मैप मिल गई, अब कल से अपना लाइफ सेट. बट 3 घंटे बाद पूरा डिमोरलाइज वाला जो मोमेंट माहौल होता है वो वापस से आ जाता है एंड यू आर बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ वंस अगेन.
वो नहीं करना है अपने को, रोड मैप देख के एक्साइट नहीं होना है, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल्ड रखना है, और एकदम जो सिस्टमेटिक वे है ना, एक एक टॉपिक उठा के वो करके संग संग उसको करना है. वी नीड नॉट बी लाइक प्रोकेस्टिनेटिंग नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे. जो हमने टॉपिक उठाया उसको साथ साथ करेंगे, साथ साथ खत्म करके. बिगिनर लेवल किया, इंटरमीडिएट किया, एडवांस किया, कंपनी लेवल प्रॉब्लम्स बनाए, कॉम्पिटेटिव लेवल के कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए, सारे नहीं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए, बस खत्म वो टॉपिक, नेक्स्ट पे बढ़ो. आई कैन सी कि वो टॉपिक मेरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, और सारे लेवल के क्वेश्चन मैंने बना लिए, नॉट ओनली बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस बट कंपनी एंड कॉम्पिटेटिव लेवल एज वेल. तो सिर्फ रोड मैप देख के खुश नहीं होना है, उसको फॉलो भी करना है. दैट इज वाई आई काइंड ऑफ लव एज वेल एज ऑल्सो हेट रोड मैप्स. तो इस चैनल की जो रोड मैप होगी वो होगी कि हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग की, ठीक है. फ्लो चार्ट से शुरू करेंगे, स्यूडो कोड सिखाएंगे, फिर गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सिखाएंगे, सम ऑफ नंबर्स, बिल्डिंग अ कैलकुलेटर, इंटर कन्वर्शन, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, ओवरफ्लो कैसे काम करती है, सब सिखाएंगे यहाँ पे. ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, वेरिएबल यूजेज, वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, उसके स्कोप ऑफ यूजेज क्या होते हैं, कुछ पैटर्न के प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे ताकि अच्छे से लूप वाली जो कंडीशन है वो हम समझ सकें. वो हो गई फंक्शंस क्या होते हैं, गेटिंग टू नो फंक्शंस अप क्लोज, कॉल स्टैक वाली जो कॉन्सेप्ट होती है वो क्या होती है वो समझेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शंस हम करेंगे, एरे क्या होता है, एरे के पहले सिंपल आइडियोलॉजी क्या होती है, कुछ बेसिक इंसर्शन डिलीशन के प्रॉब्लम भी करेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे करेंगे प्रॉब्लम, कंपैरेटर्स क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, 2D एरे क्या है, कैरेक्टर एरे क्या है, सब करेंगे हम यहाँ, ठीक है. आगे मैंने यहाँ पे जितने और भी टॉपिक्स हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे लिस्ट कर दिया है. अगर तुमने अभी लिखा है तो पॉज कर करके लिख सकते हो, या फिर इसको मैं डॉक्यूमेंट बना के नीचे लिंक दे दूंगा, उसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. मैंने ज़्यादा आगे चल के जो बाकी टॉपिक्स हैं मैंने बस टॉपिक्स लिख दिया, मैं डिटेल में नहीं गया है, क्योंकि मैं डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया अपन कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. बेसिक से शुरू करेंगे, इंटरमीडिएट एडवांस, फिर कंपनी लेवल, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल, अच्छे से हमने आपको एकदम पॉलिश कर देना है हर एक टॉपिक को, ठीक है. आई बात समझ में. तो एम जो है इस चैनल का, उससे पहले मैं बता दूं, अगर फर्स्ट ईयर वाले हो तो सेकेंड ईयर के जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसके लिए प्रिपेयर होना है. सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर होना है. थर्ड ईयर में हो तो फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट के लिए तुमको प्रिपेयर होना है, ठीक है. और अगर फोर्थ ईयर में हो तो तुमको जो फाइनल 8th सेम वाली की है तो उसकी इमिडिएट प्रिपेरेशन करनी है, जो वो प्लेसमेंट होने वाली है उसके लिए. और अगर जॉब में हो तो जॉब स्विच के लिए प्रिपेयर करनी है. सब चीज़ की पर्पस ये वो करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, थोड़ी अंत में हम समझ में आता है अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें. ऑल दीज फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग लेवल, देयर बाय इंश्योरिंग दैट यू आर रेडी टू एस दैट नेक्स्ट कोडिंग असेसमेंट राउंड और द इंटरव्यू राउंड. यू विल बी टॉट लॉजिक बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल द कॉम्प्लेक्स कॉन्टेस्ट प्रॉब्लम्स इन मिनिमम टाइम. अगर कॉम्पिटेटिव लेवल भी क्वेश्चन दे रहे हो ना तुम प्रोग्रामिंग की, तो कम से कम टाइम में कैसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव लाइव सेशंस एवरी फॉर्टनाइट टू सॉल्व योर डाउट्स एंड ऑल्सो हैव सम इंटरेक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिसाइड्स वी विल बी ब्रिंगिंग करंट इंटर्न्स एज वी रिक्रूटर्स फ्रॉम द बेस्ट कंपनीज फॉर द एएमए पॉडकास्ट टू आंसर योर डाउट्स टू, जैसा कि मैंने पहले ही कहा. बट इट रिक्वायर्स यू टू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियोज टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. ये करोगे तभी चैनल की रीच बढ़ेगी और तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और तभी हम ये सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है. इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट करना. न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली लॉन्च पैड के अंदर जितने क्विज और असाइनमेंट दिए होंगे उसको सॉल्व करना जब मैं यहाँ पे लेसन शुरू करूंगा. और उसके अलावा न्यूटन स्कूल के वेबसाइट में जो कोर्सेज हैं उसको डेफिनेटली चेकआउट करना, बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ वेरी अमेजिंग थिंग विच दे आर ऑफरिंग. दिस पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली जो उनकी स्कीम है, दिस इज लाइक ब्रिलियंट, मुझे बहुत ही पसंद आई उनकी ये वाली चीज़. और इसके अलावा कोई भी और डाउट होगी, माई क्रेडेंशियल्स आर गिवन बिलो, लिंक्डइन की मेरी अकाउंट दी हुई है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, यू कैन रीच आउट टू मी एनी वेयर, कोई भी टाइम पे तुम रीच आउट कर सकते हो, आई विल बी रेडी टू हेल्प, ठीक है. और न्यूटन स्कूल की भी क्रेडेंशियल्स नीचे दी हुई हैं. प्लीज मेक श्योर टू मेंशन अबाउट विजिटिंग, प्लीज मेक श्योर कि आप लॉन्च पैड में जा रहे हो असाइनमेंट और डाउट्स ये सब क्लियर करने के लिए, एंड ऑल्सो टू गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम, ठीक है. तब तक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फ्लो चार्ट एकदम बेसिक्स से. तब तक के लिए गुड नाइट,
और हैव अ ग्रेट डे। अगर आप सुबह देख रहे हो और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। और इसी नोट पे हम यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।